ऐसा क्या है इसमें कि मेरा मसल गिर जाएगा अगर मैं इसे लेना बंद कर। क्या मसल बनाना इतना सिंपल है क्या कि अगर मैं इसे पीऊंगा तो मसल बनता रहेगा और उसे छोड़ दूंगा तो एकदम मसल खत्म हो जाएगा? आइए जानते हैं इस वीडियो। गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। सो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मेरे सारे मसल्स गिर जाएंगे क्या। मुझे बहुत सारे मेरे भाइयों ने ये मैसेज करा कि अगर मैं वे प्रोटीन पीना छोड़ दूंगा तो मेरा मसल मास गिर जाएगा कि मेरी बॉडी खत्म हो जाएगी कि मसल बिल्कुल भी बचेगा भी नहीं। यार देखो, पहली बात, मैं जानता हूँ कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे पास बहुत लिमिटेड बजट होता है। मैं भी कॉलेज में जब था ना, मेरे पास भी लिमिटेड बजट था और घर वालों को अगर बोलता था ना कि मम्मी वे प्रोटीन दिला दो, पापा वे प्रोटीन दिला दो, तो पहले तो एक पड़ता था चाड़ना कि ये चीजें स्टीरॉइड्स हैं। भाई वे प्रोटीन स्टीरॉइड नहीं है। मेरे बहुत से भाई ये बात बोलते हैं कि यार हमने 2-3 महीने तो वे प्रोटीन लिया लेकिन उसके बाद हमें बंद करना पड़ा क्योंकि बजट नहीं था। भाई मैं ये बात समझता हूँ, जब हम कॉलेज में होते हैं ना तो हमारे पास बजट नहीं होते इतना ज्यादा खर्चा करने के लिए, स्पेशली वे प्रोटीन के अंदर। अच्छा वे प्रोटीन अगर आप बाजार में लेने जाओगे तो भाई वो 4-5 हज़ार से कम नहीं है। मैंने अपना पहला वे प्रोटीन काफी टाइम बाद लिया था, कम से कम 1 साल बाद मैंने वे प्रोटीन को लेना शुरू किया था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर वे प्रोटीन पहले ले नहीं रहा था तो मेरी बॉडी बन भी नहीं रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले ये समझ लेते हैं कि वे प्रोटीन होता क्या है। देखो, जब हम दूध को ज्यादा फिल्टर करते हैं, पनीर निकालते हैं, तो उसका एक लिक्विड बचता है, वो होता है वे। घर पे जाके अभी कर लो, मेरे घर पे अभी भी पनीर जब बनता है ना तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है दूध और पनीर के बीच का, वो वे होता है, मैं अभी भी उसे पीता हूँ। उसके बाद उसके अंदर फिल्टराइजेशन होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं और उसके बाद हमारा एक प्रोटीन तैयार हो जाता है। तो वे प्रोटीन नॉर्मली दूध से बनता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से बनता है, पर नॉर्मली जो ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं वो मिल्क से बनता है। तो वे प्रोटीन स्टीरॉयड नहीं है। मुझे आज भी सुनने को मिलता है कि अरे ये तो प्रोटीन लेता है, ये तो डब्बे लेता है, ये तो स्टीरॉयड लेता है। नहीं है यार स्टीरॉयड, प्लीज मान जाओ इस बात। हमारी इंडियन डाइट में ना स्टीरॉयड्स की हमारी इंडियन डाइट में ना प्रोटीन की कमी है। अब आप नॉर्मली अगर एक नॉर्मल ह्यूमन को देखो तो वो क्या क्या खा रहा है दिन में। सुबह वो पराठे खाता है, दोपहर को रोटी खाता है, सब्जी खाता है, शाम में कुछ बाहर से खा लिया, मोमोज खा लिए, रात में वो नॉर्मली दाल खाता है और रोटी खाता है। अब मुझे ये बताओ प्रोटीन कहाँ है। प्रोटीन वो दाल से आया, लेकिन एक कटोरी दाल में ना कोई प्रोटीन नहीं होता है। एक कटोरी दाल में आप बस 20 ग्राम दाल खा रहे होगे, बाकी पानी पी रहे होगे, तो प्रोटीन तो है ही नहीं। और इंडियन डाइट में ये प्रॉब्लम है कि प्रोटीन नहीं है। तो हमें प्रोटीन नॉर्मली भी लेना चाहिए, कम से कम जितना आपका बॉडी वेट है ना उतना प्रोटीन तो आपको लेना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप इसको लेना बंद कर दोगे तो क्या होगा। देखो, अगर आप 2 स्कूप वे प्रोटीन लेते हो, मतलब कि आप 50 ग्राम प्रोटीन ओनली वे प्रोटीन से ले रहे हो, और अगर आपने एकदम से उसे बंद कर दिया किसी भी रीजन से, आपके पास बजट नहीं है या आप कहीं बाहर है, कुछ भी हो, अगर आपने उसे बंद कर दिया तो क्या होगा? क्या आप अपना मसल मास खो दोगे? नहीं यार। अगर इससे बस बॉडी बन रही होती ना, आज सबकी बॉडी होती। अगर आपने वे प्रोटीन लेना बंद कर दिया और 50 ग्राम प्रोटीन वे प्रोटीन से ले रहे थे तो आपको बस अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने हैं उसके। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अंडों से ले सकते हो। अगर आप 5 से 6 अंडे खाओगे तो आपको 25 ग्राम प्रोटीन तो वहीं से मिल गया, बस एग वाइट्स की बात कर रहा हूँ। 1-2 पूरा अंडा भी ले सकते हो तो आपको 25 से 30 ग्राम तो 5-6 अंडों से ही मिल गया। और अगर आपको अंडे नहीं पसंद, आप चिकन से ले सकते हो। अगर आपको चिकन नहीं खाना, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप दाल से ले सकते हो, आप राजमा से ले सकते हो, आप टोफू से ले सकते हो, आप पनीर से ले सकते हो, आप अरहर की दाल से ले सकते हो, किनोवा से ले सकते हो, ओट से ले सकते हो। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि आपको बस 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है यार उसको बस दूसरी चीज़ों से बदलना है। प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मसल बिल्डिंग का, पर बस प्रोटीन से आपकी बॉडी नहीं बनती। और स्पेशली कि अगर आप बस प्रोटीन खाते रहोगे तब आपकी बॉडी नहीं बनती। एक बैलेंस्ड मील होनी बहुत ज़रूरी है, कार्ब्स की, फैट्स की और प्रोटीन की। यस, प्रोटीन की थोड़ी सी ज़्यादा होती है पर बाकी चीज़ें भी आपको खानी है। डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप इसको पीते रहोगे आपकी बॉडी नहीं बनेगी। इसके साथ आपको एक परफेक्ट डाइट भी लेनी होती है, और अगर आप इसे बंद कर दोगे तो आपकी वो जो डाइट होगी ना वो आपका पूरा काम कर देगी आपके मसल बिल्ड करने का। तो अगर आप इसे छोड़ भी दोगे तो आपका कोई भी मसल मास लूज नहीं होगा, आपकी बॉडी जैसे है वैसी रहेगी। यस, अगर आप कम कर दोगे, अगर आपने 50 ग्राम्स प्रोटीन का अल्टरनेटिव नहीं ढूंढा, नहीं लिया अपनी डाइट से, आपकी रिकवरी स्लो होगी, आपका मसल ग्रोथ स्लो हो जाएगा, आप थोड़े से ज़्यादा थका करोगे क्योंकि आपकी अच्छे से रिकवरी नहीं हो पा रही। ये थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर आप वे प्रोटीन का अल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं ढूंढ रहे। उस केस में आप थोड़ा सा मसल मास भी लॉस कर सकते हो कि आपने 50 ग्राम्स या 60 ग्राम्स प्रोटीन एकदम लेना बंद कर दिया। बस ये ध्यान रखना है कि आपको ना
ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखने हैं जब आप वे प्रोटीन को पीना बंद कर दोगे। अब बहुत सारे लोग एक और मिथ फैलाते हैं यार, वो मेरे को क्लियर करने हैं इस वीडियो के अंदर, कि प्रोटीन ना 30 मिनट्स बाद अपने वर्कआउट के 30 मिनट्स बाद ले लो जल्दी से। ऐसा कुछ नहीं है, सही बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी मिथ है। आपने वर्कआउट करा, आप प्रोटीन लो या कार्ब्स खाओ या फैट्स खाओ, कुछ भी खाओ, प्रोटीन आपकी बॉडी ओवरऑल, अगर आपने मान लो प्रोटीन पहले खाया हुआ है, बहुत पहले मान लो कि आपने सुबह प्रोटीन अच्छे से खाया हुआ है, कि आपने 100 ग्राम प्रोटीन तो भाई सुबह से लेके दोपहर तक खा ही लिया, और उसके बाद आप वर्कआउट करके आए और आपको अभी नहीं खाना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी में पहले से प्रोटीन है। थोड़ा सा अच्छा होता है लेना, कि ले लो एक बार कि बॉडी रिकवर करे, पर अगर आप नहीं भी ले रहे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने वर्कआउट करा, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन पहले से है, वेल एंड गुड। तो ये चीज़ मुझे कवर करनी थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे मिथ देखे हैं, लोग सबसे पहले प्रोटीन पीते हैं अपने वर्कआउट के बाद। सबसे पहले पता है क्या खाना चाहिए, हमेशा कार्ब्स खाने चाहिए, और बनाना एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप अपने आपने अपना वर्कआउट ख़त्म करा, सबसे पहले बनाना खाओ, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हम अपने ग्लाइकोजन लेवल्स को ख़त्म कर देते हैं वर्कआउट कर करके, अपनी बॉडी को एक एक्सट्रीम लेवल पे पुश करते हैं कि हमारे ग्लाइकोजन लेवल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले कार्ब्स दो और उसके बाद आप प्रोटीन पी लो, अपना वे प्रोटीन, या आपने चिकन से लेना है, अंडे से लेना है, पनीर से लेना है, किसी भी एक्स वाई जेड चीज़ से लेना है, उसके बाद प्रोटीन खाओ। पहली चीज़ पता क्या होगी, जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है ना वो बहुत अच्छा होगा। तो कभी भी प्रोटीन पीना है यार, ऐसे नहीं कि वर्कआउट के बाद ही पीना है या प्री वर्कआउट में ही पीना है या लंच में ही पीना है, कभी भी खाओ। बॉडी के अंदर होना चाहिए एक अमाउंट ऑफ प्रोटीन जितना आपको खाना है। मैं अपने वेट से डबल प्रोटीन खाता हूँ और पीता हूँ, तो आपको भी यही करना है। अगर आप एक बिगनर हो तो उतना प्रोटीन तो खाओ जितना आपका बॉडी वेट है, उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे वैसे वैसे 1.2-1.5 मल्टीप्लाई बाय वेट जितना भी है उतना प्रोटीन खाओ। एक नॉर्मल अच्छा डोजेज होता है प्रोटीन का, वो होता है अपने वेट को मल्टीप्लाई करो 1.2 से लेके 1.5 तक। जितना भी वो प्रोटीन सोर्स आ रहा है ना, जितना भी ग्राम प्रोटीन आ रहा है, उतना ग्राम प्रोटीन लो, आपकी बॉडी बनने से कोई नहीं रुक सकता। आपकी डाइट अच्छी होगी, आपका वर्कआउट अच्छा होगा, आप प्रोटीन अच्छे से ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, ज़रूरी नहीं है वे प्रोटीन से ही लेना है, कहीं से भी ले रहे हो, आपकी बॉडी ज़रूर बनेगी। पिछली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये क्लैरिफाई किया था कि अगर आप क्रिएटिन लेना बंद कर दोगे तो क्या आप एकदम से श्रिंक हो जाओगे, आपका मसल मास गिर जाएगा, स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत सारे मिथ मैंने उसके अंदर कवर करे हैं क्रिएटिन को लेके, उसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा, ज़रूर चेकआउट करना उस वीडियो को भी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक देना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने अभी अभी जिम जाना शुरू करा है। सो अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।